然后我就掉。पृथ्वीपुर थाना क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आ रही है, जहां पर एक 5 वर्षीय मासूम बोरवेल में गिर गया है। दरअसल हरि किशन कुशवाहा ने 1 साल पहले बोरवेल करवाया था, जिसको हरि किशन ने लापरवाही के चलते खुला छोड़ रखा था। इसी लापरवाही का खामियाजा 5 वर्षीय प्रहलाद को उठाना पड़ रहा है, जो खेलते वक्त गलती से उस बोरवेल में जा गिरा। बता दें कि घटना स्थल पर पृथ्वीपुर थाने की पुलिस फोर्स पहुंच चुकी है और बच्चे को बोरवेल से निकालने के लिए हर संभव उपाय किया जा रहा है। अभी आपको बता दें कि प्रशासन की तरफ से पहले से किसानों को हिदायत भी दी गई थी कि बोरवेल को कराने के बाद उसका मुंह बंद किया जाए और अन्य तरीके से या फिर उसे ढक दिया जाए, जिससे कोई भी घटना ना हो। लेकिन किसानों की लापरवाही के चलते आए दिन इस तरह की घटनाएं सामने आ रही है। इसी के चलते ये घटना सामने आई है। हम आपको सीधे पृथ्वीपुर लेकर चलते हैं हमारे विशेष संवाददाता अंकित तिवारी जी के साथ, जो हमें घटनास्थल की पूरी जानकारी देंगे कि अभी वहां पर क्या स्थिति है। तो अंकित जी से बात करना चाहेंगे हम, सीधे पृथ्वीपुर पे आपको जोड़ते हैं। अंकित जी वहां पर अभी किस तरह का प्रशासन क्या कदम ले रहा है उस बच्चे को बोरवेल से निकालने के लिए, 5 वर्षीय मासूम को निकालने के लिए प्रशासन की तरफ से क्या कार्यवाही की जा रही है अभी? जी सारी तैयारियां चल रही हैं, बहुत पीछे जेपी भी चल रही हैं। जी कक्षा 15 पर 11 भी हो चुका है। जी बच्चे को ऑक्सीजन देने के लिए फ्रेम भी लग चुके हैं, आप देख रहे हैं जैसा कि हमारे पीछे। जी जी और सवाल क्या बताऊंगा कि बच्चा समय से फंसा हुआ है, कितना समय हो गया बच्चे को? सर बच्चा सुबह 9 बजे तकरीबन बोर में जा चुका था। जी सुबह 9 बजे अभी 3 बजे मतलब काफी लंबे समय से, लगभग 6 घंटों से बच्चा अभी बोरवेल में फंसा हुआ है। जी सर। तो सर ये घटना किस तरह से जी, मतलब ये घटना जैसे लापरवाही के कारण बोरवेल का ढक्कन लगाया गया है, बच्चा उसमें फंसा है सर? सुबह बोरवेल का ढक्कन नहीं लगा होने के कारण सर बच्चा बोर में जा चुका है। जी जी। तो उसकी जानकारी कैसे प्राप्त हुई प्रशासन में और उसके बाद कैसे एक्शन लिया गया? जी और अभी वहाँ पर किस तरह का माहौल लग रहा है आपको? प्रशासन की टीम जो पूरी तरह से कार्यवाही करी, आप बोल रहे हैं कि ऑक्सीजन देने के लिए भी बच्चे को वहाँ पर सहायता पहुँचाई गई है, वहाँ पर आर्मी की तरफ से भी टीम आई है, तो अभी किस कौन टीम अभी प्रमुखता से कार्यवाही करते हुए बच्चे को निकालने की कोशिश कर रही है? अभी क्या प्लानिंग चल रही है प्रशासन की? अभी सर झांसी से दूरबीन कैमरा वाले आ चुके हैं सर, जानकारी लेने के लिए तैयारियां कर रहे हैं। जी अभी बच्चा तकरीबन 8 घंटे से सो रहा है। जी और अंकित जी मतलब लगातार हमारे आसपास हमारे समाज में हम देखते हैं कि इस तरह की घटनाएं जन्म लेती है। प्रशासन की तरफ से कहा भी जाता है कि आप बोरवेल को इस तरह से हमेशा पैक करके रखें, बंद करके रखें, लेकिन क्या आप कहेंगे ऐसे लापरवाही कही जा रही है कि जो व्यक्ति की बोरवेल है उसकी, या फिर क्या कारण है इस चीज के पीछे? जी और मैं आपसे ये भी जो बच्चे के परिजन हैं, माता पिता हैं, उनके बारे में भी आपसे पूछना चाहूंगा कि उनका किस तरह से, उन्हें किस तरह से ढाढ़स बांधा जा रहा है प्रशासन की टीम की तरफ से, और वे किस तरह से संभाल रहे हैं इस स्थिति को? बच्चे के माता पिता चुका है, प्रशासन मौके पर है और आप सर देख रहे हैं सर घटना स्थल पर सर गांव ग्रामीण के सभी साथी और खेती द्वारा लगातार पता चल रही है सर, जैसा कि आप देख रहे हैं चलने के बाद सर बोकलैंड भी यहाँ मौजूद हो चुकी है सर, बोकलैंड की मदद से भी सर इकट्ठा और गहरा किया जाए। जी अब मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहूंगा कि प्रशासन के अधिकारियों का जो वहां पर टीम काम कर रही है, वे क्या कह रहे हैं कि यहां पर कितना समय लगेगा, या फिर वो क्या प्लानिंग कर रहे हैं आगे के लिए, उनका रुख किस तरह से? सर अभी तो
अभी मौत है, अभी प्रशासन कुछ नहीं कह रही है इस बारे में। और अभी सर जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे पीछे सर पेड़ों पर लाइट वगैरह लटकती है जी। अब आप वहां पर मौजूद हैं तो मैं आपसे ये भी सवाल जरूर पूछना चाहूंगा, सब दर्शक भी ये जानना चाहेंगे कि जिस तरह से कार्यवाही की जा रही है, जिस तरह से सुबह से कार्यवाही की जा रही है बच्चे को बोरवेल से बाहर निकालने के लिए, तो हमें क्या लगता है कि कितनी देर में जल्दी ही अच्छी खुशखबरी मिलेगी, कितनी जल्दी में सफलता प्राप्त हो सकती है टीम को और बच्चे को सुरक्षित बाहर निकाला जा सकता है? सर अभी मौके पर एसडीआरएफ की टीम भी आ चुकी है सर, जैसा आप देख रहे हैं जी। और प्रशासन का कहना यह है कि जल्द बच्चे को बाहर निकाल लिया जाएगा जी, जल्दी बाहर निकल जाएगा, इस तरह का बात प्रशासन भी कर रहा है जी। बहुत बहुत शुक्रिया ये बात कहने के लिए अंकित जी, हमें पूरी जानकारी बताने के लिए कि किस तरह से वहाँ पर पूरा वातावरण है और किस तरह से परिजन भी इस चीज़ को संभाल रहे हैं। तो आपको, आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या इस पे प्रशासन को भी कोई कड़ा एक्शन लेना चाहिए इन चीज़, इतनी घटनाएं बढ़ने के बाद? जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया अंकित जी हमें पूरे मामला बताने के लिए, पृथ्वीपुर से जोड़ने के लिए और वहाँ की एक्चुअल कंडीशन जो वहाँ पर सरफेस पे है कि किस तरह से वहाँ पर माहौल है। बहुत बहुत शुक्रिया हमें ये सारी चीजें बताने के लिए। तो ये हमने अंकित जी से बात की, हम उन्होंने हमें पृथ्वीपुर थाने क्षेत्र के जो घटना है इसका पूरा आकलन बताया कि किस तरह से प्रशासन की टीम लगातार 5 वर्षीय मासूम को बचाने में लगी हुई है। लगातार उन्होंने बताया कि कई तरह की टीमें इस कार्य में भी सम्मिलित है। सुबह 9 बजे से बच्चा बोरवेल में फंसा हुआ है, जिसके बाद लगातार टीम, प्रशासन की टीम, आर्मी की टीम और लगातार जेसीबी भी काम कर रही है जिसमें बच्चे को सुरक्षित निकाला जा सके। जैसे अंकित जी ने भी बताया कि बच्चे तक ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए भी प्रशासन ने बंदोबस्त किए हैं ताकि जब तक बच्चे को बाहर नहीं निकाला जाता तब तक वह, उसका स्वास्थ्य सुरक्षित रहे। हम भी यही कामना करते हैं और लगातार आपको अपडेट से जोड़ते रहेंगे कि किस तरह से प्रशासन कार्यवाही कर रहा है और किस तरह से बच्चे को निकालने की कार्यवाही की जा रही है। तो लगातार आप ताजा अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए खबर 100 के साथ, जनता की बुलंद आवाज।